अमीर, कब आओगे? तुम्हें कुछ पता है कि मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ? बहुत याद आ रहे हो। मेरी ना पता आंखों के नीचे हल्के भी पड़ गए हैं, भूख भी खत्म हो गई है और नींद भी नहीं आती तुम्हारे बगैर। बस अब जल्दी से अपना आंखों का इलाज कराओ और फौरन पहुंच जाओ। आई मिस यू ना। मामा मामा, आहिस्ते बोलो, यहाँ सबको पता है कि मैं तुम्हारी मामा हूँ। आपको पता है मेरा दोस्त ना लंदन से आ रहा है। लंदन से दोस्त आ रहा है? लेकिन तुम तो अगली गली में जाते हुए घबराते हो। वो ना मेरा ऑनलाइन फ्रेंड है। अच्छा, यानी कि फेसबुक पे लाइव है? अरे नहीं मामा, वो ना लंदन से कराची आ रहा है जहाज में। हाँ, अपने ही घर आ रहा है ना, तो तुम क्यों खुश हो रहे हो? आपको पता है उसके पास ना बिजनेस के बहुत सारे प्लान्स हैं, अक्सर मुझसे डिस्कस करता रहता है। अब बिजनेसमैन है? नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ प्लान्स हैं। अच्छा, तो हमें क्या फायदा है उससे? हम रातों रात अमीर हो जाएंगे मामा। कैसे? बिजनेस करके। ओह, बिजनेस वो करेगा और पैसे हम कमाएंगे? अरे नहीं मामा, प्लान्स उसके होंगे और बिजनेस हम करेंगे। तो पैसे कहाँ से आएंगे बबलू? वो तो प्लान पे अमल करके पता चलेगा। तो प्लान क्या है? बिजनेस का। तो बिजनेस क्या है? वो तो उसके पास है। बबलू, अब तुम ना पिटोगे मुझसे। मामा, हम रातों रात लाखों रुपए कमाएंगे उसके प्लान पे अमल करके। नहीं, बिजनेस करके। बबलू। अच्छा मामा, मैं उसे ही बुला लेता हूँ, वो ही आपको सही तरह समझा देगा। ये ठीक है। वैसे भी मैं चाहती हूँ कि जब अमीरुद्दीन यहाँ पहुंचे उससे पहले ही मैं अमीर हो चुकी हूँ। ठीक है, मैं ना अभी उसे फोन करता हूँ। लेकिन वो तो लंदन में है ना? मेरी सुबह बात हुई थी उससे, वो ना जहाज में बैठा था, अब तक तो कराची पहुंच भी गया होगा। मैं बात करने दूँ। बहुत ही बेवकूफ है भाई ये तो। ओ हेलो, मैं खादिम, आपकी खिदमत में हाजिर है, फ्रॉम लंदन। हटे, मुझे बाहर जाना है। ये गेट आपने मेरे लिए नहीं खोला है? मुझे बाहर जाना था इसलिए खोला है। लेकिन मुझे कॉल करके बुलाया गया है। मैंने बुलाया आप? नहीं, बबलू ने। तो मैं आपको बबलू दिख रही हूँ? मैं यकीन से तो नहीं कह सकता। मैं बबलू नहीं हूँ। फौरन बयान बदल दिया। रास्ता छोड़। मैं गेट पे खड़ा हूँ। मुझे बाहर जाना है। मुझे भी तो अंदर आना है। अब आप अंदर आके दिखाएं। अब आप बाहर आके दिखाएं। जी बदतमीज इंसान हो। आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। स्टॉप इट किंग। अब आप हद से बढ़ रही हैं। बकवास बंद करो। ये आपने मुझे कहा है? तो तुम्हें कोई मेरे साथ दिख रहा है और? मारिया मारिया मारिया, क्या हुआ, किससे लड़ी हो, ये कौन है? बदतमीज इंसान से। अरे बबलू। यस आई एम बबलू। मैं खादिम फ्रॉम लंदन। हाँ, लंदन वाले दोस्त। ओ, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, तुम बताओ कैसे हो? ये सब ठीक रहा ना, आराम से आ गए? कोई जहाज में प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, वो जहाज में खाना तो अच्छा खाया ना? अरे बहुत खाया, बिरयानी, चिकन, मटन। अरे मुझे तो बाहर जाने दे। आपकी बेइज्जती तो मैं सारी जिंदगी याद रखूंगा। हटो। नहीं नहीं हटूंगा यहाँ से। बबलू देखो इसे। खादिम भाई, आप एक काम करें ना, इसको जाने दे, आप मेरे साथ चले। आ जाए। मामा मामा मामा, मेरा लंदन वाला दोस्त आ गया। खादिम आपकी खिदमत में हाजिर है। ये खादिम है? क्यों, आपको नाम पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, आपके नाम में तो जी बहुत आजिजी है। तो फिर आजिजी कह लें। Oh my God, ये तो बहुत obedient है भाई। अरे सारी बातें छोड़ें, डायरेक्ट बिजनेस पर आते हैं। वाओ, इतना प्रैक्टिकल भी है मामा। हाँ, कुछ ज्यादा ही। जी मैंने जो प्रोडक्ट बनाई है ना, उससे आप लोगों को लाखों का फायदा होगा। अच्छा, पूरे साल में? नहीं, एक हफ्ते में। अरे कितने अजीम इंसान है आप। करना क्या होगा हमें? खादिम ने एक मैजिक ऑयल बनाया है। मैजिक ऑयल? दिनों में चेहरों को गोरा करेगा, बालों को लंबा करेगा और उम्र छोटी करेगा। वाओ, ये जो ऑयल है ये चेहरे पे भी लगा सकते हैं? नहीं, लगाना उसको बालों पर है, लेकिन उसका असर चेहरे पे भी आएगा। मैजिक ऑयल है ना। ये सारी चीजें आपका ऑयल करेगा? नहीं, मैजिक ऑयल करेगा, पूरे शहर की औरतों को बदल के रख देगा। और हमारे घर में नोटों की बारिश हो जाएगी। और मामा मामा,
मैं कैच बहुत अच्छा कर लेता हूँ, तो मैं सारे नोट कैच कर लूंगा। हमारी तरफ से डील डन। तो फिर 2 लाख एडवांस दें, बाकी डिलीवरी के बाद। मामा डन कर दे, मैं ना बात कर लूंगा। आप बस डिलीवरी करवा दें। लेकिन उसके लिए आपको एक प्रमोशनल वीडियो बनाना पड़ेगी। इस ऑयल को पूरे शहर में आम करना होगा आप लोगों को। वीडियो बबलू, ये वीडियो कौन बनाएगा? मैं बना दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, वो वीडियो एक फीमेल मॉडल से बनवानी है। अब ये फीमेल मॉडल कहाँ से लाएं भाई? मारिया से करवा लेंगे ना, उसी से बनवाएंगे। मारिया? आज पूरे 2 चैप्टर कंप्लीट करूंगी, सारा दिन पढ़ना है मैंने। मारिया मारिया चाया गई है, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाया हूँ, पढ़ पढ़ के थक गई होगी ना, ये लो लो लो। हैरियत तो है, बड़ा ख्याल है आज तुम्हें मेरा। अरे क्यों ना ख्याल हो, आखिरकार तुम मेरी फैमिली हो। तुम्हारी फैमिली? नहीं नहीं, मतलब हमारी फैमिली। अच्छा ये जल्दी से चाय तो पी लो, वरना ठंडी हो जाएगी। हाय बबलू, बिस्किट लाना तो तुम भूल ही गए। ये बिस्किट भी मैं खाऊंगी? हाँ देखो ना, पढ़ पढ़ के कितना कमजोर हो गई। मसला क्या है? अरे तुम मसले को छोड़ो ना, तुम जल्दी से बिस्कुट चाय में डुबो डुबो के खा लो, वरना चाय ठंडी हो जाएगी। क्यों मामा? हाँ लेकिन देखो रंगत भी कितनी पीली हो गई है इसकी। और बाल भी कितने खुश्क हो गए, और चेहरे पे तो जरा फ्रेशनेस नहीं है। तो इसको जो है ना, हमारा मैजिक ऑयल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? बबलू अभी नहीं ना। अच्छा असल बात क्या है, मुझे असल बात बताएं। वो दरअसल ना, हमारे पास एक मैजिक ऑयल है, उसका ना एड में तुम प्लीज काम कर लो। मैं क्यों करूं? क्योंकि वो, हाँ, वो हमारा बिजनेस है। तो मैं क्या करूं? हमारा साथ दो ना। वो मैजिक ऑयल वाली वीडियो में ना मॉडलिंग करनी है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर रही ये सब। नहीं करूंगी? नहीं मैं नहीं करूंगी। ठीक है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ना कमरा खाली करो जी। ये तो ब्लैकमेलिंग है ना। अरे तुम्हें ना मैं तैयार करूंगा। नहीं नहीं नहीं, देखो गुस्सा मत करना, बिल्कुल भी मुंह मत खराब करो। क्या है ना, मॉडलिंग में चेहरा ही तो सब कुछ होता है। रिलैक्स। ओह माय गॉड, वीडियो अपलोड भी हो गई और 1000 व्यूज। अब तो डॉली के नाम का डंका बजेगा, वो भी पूरे शहर में। तो पैसा यहां से भी आएगा और वहां से भी, तो सारी औरतें मेरे पास आएंगी मेरा प्रोडक्ट लेने के लिए। वेरी गुड। अब तो अमीरुद्दीन, अब जब तुम आंखें ठीक करवा के आओगे ना, मेरी कामयाबी पर तुम्हारी आंखें चक्का चौन रह जाएंगी, मेरी तरक्की देखकर। यस मामा। मामा देखिए, आप जो कोई मिलने आई हैं। ओह आप मेरा इंटरव्यू करने आई हैं? नो नो, मैं बिजनेस डील के लिए आई हूँ। बिजनेस डील? बबलू अभी वीडियो देखी थी, वीडियो देखते ही मैं एड्रेस लेके आप लोगों के पास आ गई। ओह हाउ स्वीट, आप हमारा प्रोडक्ट खरीदने आई हैं? जी जी बिल्कुल, और मैं आप लोगों से 1 साल के लिए डील करने आई हूँ, इफ यू डोंट माइंड। नहीं नहीं, मैं क्यों माइंड करूँगी, वैसे भी हमारे पास माइंड है ही नहीं। हाँ, और वैसे जो प्रोडक्ट में खूबियाँ बताई गई हैं वो इसमें हैं? इससे ज़्यादा हैं, बताओ ना बबलू। मामा बताता हूँ। आंटी इसमें ना आप सब मेकओवर कर सकती हैं। आंटी? बेवकूफ़ तुम, इनको आंटी क्यों कह रहे हो? देख नहीं रहे हो, ये तो खुद एक मॉडल लग रही हैं। बल्कि अगले प्रोडक्ट के लिए ना हम आपको मॉडल लेंगे। थैंक यू सो मच, बट अभी मैं सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने आई हूँ। हाँ दिखाओ ना बबलू इनको, जाओ लेकर आओ। जी जी मामा, मैं ना अभी इनको एक सैंपल दे देता हूँ। हाँ वो आप भी ले जाइएगा और अपने कस्टमर्स को भी दे दीजिएगा। और मुझे 400 पीसेस चाहिए होंगे। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको एडवांस देना होगा हमें। 1 हफ्ते में डिलीवरी हो जाएगी आप तक। बिल्कुल, थैंक यू। और ओके, उसके बाद मैं आपको 1 लाख का चेक दे देती हूँ, बाकी डिलीवरी के बाद। डन। ठीक है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, ये कैसे हो सकता है बबलू? देख ले। अला ऐसे मत बोलो, हमारे वो जो बिजनेस प्लान का फिर क्या होगा अगर हमारी मॉडल अंधी हो गई तो? प्लीज तुम ये बोलो कि ये झूठ है।
पता नहीं क्या लगवा के मॉडलिंग करवा दी, सर ही चकरा रहा है मेरा। कुछ पढ़ लेते हैं। ये बुक को कुछ हो गया या मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? मारिया 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 तुम फेमस हो गई। तुम्हें पता है तुम्हारी वीडियो देखकर एक बंदी की कॉल आई और उसने ऑर्डर भी दे दिया। और तुम्हें पता है तुम्हारी वीडियो पे ना मुसलसल व्यूज बढ़ रहे हैं। बाबलू तुम्हारी शक्ल को क्या हो गया है? क्या हुआ मेरे चेहरे को? तुम पूरे नजर नहीं आ रहे हो और कमरा भी खाली सा है। अच्छा ये शोहरत का नशा ना तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गया है? नहीं बबलू, मुझे सच में तुम पूरे नजर नहीं आ रहे हो। हाँ अब मैं कहाँ नजर आऊंगा, पर एक बात याद रखना, तुम्हारी वो वीडियो जो है ना मैंने बनाई थी। मेरा सर चकरा रहा है, मुझे अकेला छोड़ दो, निकलो यहाँ से। देखो तो नखरे। चाय का कप ले आओ मेरे लिए। कौन? मैं? हाँ तुम, पहले तो बहुत आगे पीछे घूम रहे थे, अब क्या हो गया? वो तो शूटिंग के लिए थोड़े बहुत नखरे उठाने पड़े। जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। अच्छा ठीक है, उसा क्यों हो रही है? अभी लेके आते हैं। सर क्यों चकरा रहा है इतना? अरे वो बबलू ने आज जो है एडवांस का कहा था। अब भाई बहुत ही वैसे छोटे दिल के हो। अरे डॉली के साथ बिजनेस कर रहे हो, दिल को बड़ा रखो। खादिम का मैजिक ऑयल है मैडम, ये आपकी जिंदगी में मैजिक ले आएगा। दुनिया दुनिया आपके कदमों में होगी। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ एक 20,000 दे दे मुझे। 20,000? अरे 20,000 की क्या वैल्यू है, ये सोचो अभी हमने लाखों कमाने हैं। छोटी बात कर दी आपने, मैं करोड़ों की बात कर रहा हूँ, करोड़ों की। ठीक है ठीक है, एडवांस मिल जाएगा। कहाँ है? ऑयल बेच करना। पक्की बात है ना? हाँ लेकिन मुझे उससे पहले ना वो 400 पीसेस चाहिए, क्योंकि ऑर्डर मिला है ना मुझे। खादिम से होशियारी, मतलब 400 पीस का ऑर्डर मिल गया और हमें पता तक नहीं चला। हाँ वो पेमेंट के बाद हो जाएगा सब कुछ। चलें इसी बात पे फिर चाय पिला दें। चीनी नहीं है मेरे पास, खत्म हो गई है। कोई बात नहीं, मैं बगैर चीनी की चाय पी लूंगा। ओके साथ में बिस्किट भी। कुछ और? बिल्कुल जीरे वाले। आ जाएगी चाय भी, लेकिन पहले ना ऑर्डर की तैयारी करो। आप फिक्र ही नहीं करें, मैं अभी फोन मिलाता हूँ। नाइट फिर चली गई, एक तो लोड शेडिंग ने ना अजाब मचा रखा है। बबलू बबलू जनरेटर ऑन करो। बबलू चाय ले लो, चाय गर्म गर्म चाय, चाय ले लो चाय। चाय आ गई। बबलू पहले लाइट तो ऑन करो, जनरेटर ऑन करो जाकर। जनरेटर? वो क्यों ऑन करना है? क्योंकि मुझे जनरेटर की शोर की आवाज पसंद है, लाइट नहीं है इसलिए। और क्यों लाइट नहीं है? मारिया कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो? मजाक तो बिजली ने बना रखा है बबलू। अरे नहीं नहीं, मैं जनरेटर वाले मजाक की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। अच्छा तो चलाओ ना जनरेटर जाके, चाय रख दो, गिरा मत देना। जनरेटर चलाऊं? पर ये मारिया तुम्हें क्या हो गया है, पूरे घर की लाइट जल रही है। तो बबलू मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा है? पढ़ पढ़ कर ना तुम्हारी नजरें वीक हो गई हैं। बबलू पिटोगे तुम मुझसे, लाइट्स ऑन करो जल्दी से। लगता है तुम्हारा फ्यूज ही उड़ गया है। बबलू मैं अंधी तो नहीं हो गई? तुम्हें भूलने की आदत है ना, तो तुम देखना भूल गई होगी। मैं बर्बाद हो गई बबलू, अगर मुझे नजर नहीं आया तो मैं क्या करूंगी? नहीं अभी तो तुम्हें मॉडल बनना है और वो जो कैटवॉक करनी है। अंधी बन के कैसी अजीब सी वॉक करोगी ना? बबलू मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अगर मुझे कुछ नजर ना आया तो मैं क्या करूंगी? बबलू बताओ मैं क्या करूं? हाँ तुम एक काम करो, ये ना चाय पी लो, हो सकता है तुम ठीक हो जाओ। ये लो। कहाँ है चाय? ये लो चाय पियो, चाय चाय गर्मा गर्म चाय। आराम से पीना, ठीक है? आराम से पियो, मैं भी आता हूँ। ठीक है तो कुछ नजर नहीं आ रहा, या तो लाइट नहीं है, क्या है?
मामा मामा मामा। उफ़ो, फिर पूरे मोहल्ले को बता दो कि मैं तुम्हारी मामा हूँ। मामा गजब हो गया ना। हाय, मुझे तो लग रहा है कि ऑर्डर्स आ रहे हैं, लगता है हम बहुत अमीर होने वाले हैं। तुम एक काम करो, खादिम को बोलो कि ऑर्डर बढ़ा दे बस। आप मेरी बात तो सुने ना, पहले जाके खादिम को ढूंढो, किधर गया वो। मामा मारिया अंधी हो गई है। क्या, ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये कैसे हो सकता है पप्लू? देख ले। अला ऐसे मत बोलो, हमारे वो जो बिजनेस प्लान का फिर क्या होगा अगर हमारी मॉडल अंधी हो गई तो? प्लीज तुम ये बोलो कि ये झूठ है। हाँ हाँ शौकी, ऑर्डर बढ़ा ले, अब खादिम की रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता। 4,000 ऑयल की बोतलें तैयार करवा लें। अरे पैसे भी मिल जाएंगे, पैसा बहुत। मैं बाकी के ऑर्डर लेकर आ रहा हूँ। और हाँ, एक चीज का ख्याल रखना, वो तेजाब के ड्रम का कलर एक ही जैसा है, कहीं गलती से वो ना मिला देना। वैसे भी तुम्हें बहुत कम नजर आता है। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, ये क्या हो गया मेरी आंखों के साथ? अब मैं साइकोलॉजी में मास्टर्स कैसे करूंगी? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा बबलू। आंटी, क्या हो गया मेरी आंखों को? बबलू कहाँ रह गए तुम लोग? आंटी, आंटी क्या हो गया, क्या हो गया मारिया? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। बबलू, इसे इसे क्या हुआ है? अंधी हो गई है मामा। वैसे आंखें खोलकर तो ठीक ठाक देख रही है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। हाय, पहले एक अमीरुद्दीन को भुगता रहे थे, अब इसका भी इजाफा हो गया। तुम चाय पी लो, सब नजर आ जाएगा। कितनी चाय पीऊं, थक गई हूँ, नहीं नजर आ रहा कुछ मुझे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये देखो नजर आ रहा है, कितनी है बताओ? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। ये तो वाकई अंधी हो गई। मैंने भी इसे यही कहा था मामा। ये सब तुम्हारे मैजिक ऑयल का कमाल है बबलू, उसकी वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरी आंखों में चला गया। वो तो मैंने भी लगाया है। हाँ मामा। कहाँ है घर वाले? सबको जेल में बंद कर दूंगी, बाहर निकलो, एक एक को देख लूंगी, इस घर को आग लगा दूंगी। एक काम करो, 4 की जगह 6,000 ऑयल की बॉटल्स कर दो। आप शायद यहाँ पे नहीं आई हैं। कहाँ है घरवाली? घरवाली? मैडम मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, घरवाली का मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं इस घर में रहने वालों की बात कर रही हूँ। कहाँ है सब? लेकिन काम क्या है आपको? सबको शूट कर दूंगी। क्या हुआ है भाई? तुम्हारे इस ऑयल की वजह से मेरी स्किन जल रही है। झूठ बोल रही है ये। एक एक को देख लूंगी। तो सारे लाइन से तो खड़े में देख लो सबको। मेरी दो कस्टमर के बाल तो हाथ में उतर के आ गए हैं इस ऑयल के लगाने की वजह से। खादिम, नाचीज है आपका। ये जो ऑयल था ना, वो इसका था। नहीं नहीं बाजी, मैं तो यहाँ पे फ्रिज ठीक करने के लिए आया था। मेरी आंखें दे दो, मेरी आंखें चली गई हैं। बबलू, इसकी आंखें भी चली गई हैं। मामा, मेरे सर में भी खारिश हो रही है। हाय अल्लाह, हमारे बिजनेस का क्या होगा? मामा वो तो फेल हो गया। अरे क्या हो पप्पू इसको, और इतना मारो कि याद रखे। खादिम के बच्चे।